ये कहते सिर्फ जो स्टाइपेंड है मंथली जो सू 6200 रुपया मिलता वा वो वधा के हरियाणा ते राजस्थान की तर्ज ते 17000 रुपया किया जाए महीने पढ़िया लिखा वर गया साडा इन्होंने गांह सेवा करनी पंजाब की और यदा कुल बजट क्योंकि 100 डॉक्टर है इस वेले गडवासू दे विच इहदा कुल बजट साल का 1,33,00,000 रुपया वा मतलब पिछले 3 महीनों में लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किया इस हिसाब से 200 करोड़ रुपया चले गया एक पासे 200 करोड़ खर्च रहे एक पासे 1,33,00,000 रुपया लैण लई साल का बच्चे पुंजे बैठे ने 500 करोड़ रुपया साल का पंजाब बर्बाद करन चले आ फ्री पिंडां च आटा आटा जिहदे सुसरी आवे इक पिछों पिस के SGPC आजाद होवेगी तां अकाल तख्त साहब का जथेदार फ्री दी आजादी नाल अपनी गल कह सकेगा भगवंत मान नूं मेरी बेनती कि बाकी सारे जिहड़े बयान दिंदे हो तुसीं मूंगी वगैरह दे रखदे हो प्रोग्राम वो पहला बंद करो पहला लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं प्रॉपर सही लीडरशिप दिओ भगवंत सिंह मान सिर्फ एक उन्होंने चेहरा रखा हुआ मूहरे उन्होंने 10:30 बजे कढ़ दे बाहर तो 5 बजे वापस ले जाते हैं इनू चलाने वाले राघव चड्ढा वर्गे लोग ने और भगवंत मान नूं मेरी बेनती कि किसी दिन तो तैनूं खड़ना पवेगा ना किन्ना लम्मा पै जाएगा जिन्ना लम्मा पएगा उन्ना तैनूं होर लम्मा पाउणगे ये बाहर दे जिहड़े गैर पंजाबी हाँ जी बिल्कुल असी कमलजीत सिंह गार्ड और असी इन बच्चों की जेडे वेटनरी डॉक्टर्स ने जी बड़ी लेजिटमेट डिमांड है बहुत जायज़ मांग नूं सपोर्ट करना है और साड़ी हाथ जोड़ के निम्रता नाल मिहनत है भगवंत सिंह मान ने सरकार इन्हां दी मंग मन ये पढ़िया लिखिया वर्ग है जे आपां इन्हां नूं लताड़ांगे इन्हां दी मंग नहीं मन मंगांगे मन्नांगे यही सारे बच्चे विदेशों नूं भजदे ने नाले आपां कहिंदे कि आपां विदेशों च बच्चे जाण नहीं देने और मंग की है इन्हां दी तुसीं सारे सुन के हैरान हो जाओगे कि ये कहते सिर्फ जो स्टाइपेंड है मंथली जो सू 6200 रुपया मिलता वा वो वधा के हरियाणा ते राजस्थान की तर्ज ते 17000 रुपया किया जाए महीने का वेटनरी डॉक्टर्स ने पढ़िया लिखिया वर्ग है साडा इन्होंने गांह सेवा करनी पंजाब की और यदा कुल बजट क्योंकि 100 डॉक्टर है इस वेले गडवासू दे विच इहदा कुल बजट साल का 1,33,00,000 रुपया बन इन्ना तो भगवंत सिंह मान या मंत्री संतरी इधर उधर एक दिहाड़ी चुटकी ना ही उड़ा देंगे ने और तुसी देखिया कि पब्लिसिटी के किन्ने पैसे वेस्ट किए पिछले 3 महीनों RTI एक्टिविस्ट ने दसिया वा कि और नॉन पंजाब स्टेट से मतलब पिछले 3 महीनों में लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किया इस हिसाब से 200 करोड़ रुपया चले गया एक पासे 200 करोड़ खर्च रहे एक पासे 1,33,00,000 रुपया लैण लई साल का बच्चे पुंजे बैठे ने 497 करोड़ रुपया फ्री आटे की डिलीवरी जिहड़ी किसी ने नहीं मंगी मंग तो यही रहे ये कहिंदे साडा स्टाइपेंड दे दिओ गन्ने के किसान कहिंदे साडा एरियस दे दिओ बच्चे टेट पास ते ETT ते PTI टीचर्स कहिंदे सानू जॉब्स दे दिओ वो नहीं दे रहे ते जिहड़ा किसी ने मंगिया ही नहीं गा 500 करोड़ रुपया साल का पंजाब बर्बाद करन चले आ फ्री पिंडां च आटा आटा जिहदे सुसरी आवे कि पिछों पिस के और अनहाइजीनिक आटा होवेगा इस करके मैं तो असीं इन्हां दी मदद ते आए और इस नूं मैं विधानसभा च उठाऊंगा जिथे हर मुमकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्हां दी सपोर्ट MSP कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा विरोध किया MSP कमेटी वो तो बनदा ही है विरोध जी ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਟੂ ਦੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਲੈਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਐਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ KS ਔਲਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ MS ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਲੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੋਮੇ ਕਦਰ ਰੱਖੀ ਉਸ ਬੋਲੇ ਹਮ ਮੈਂ ਵੋਟ ਬਾਈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਬੋਇਕਾਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ 3ਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਥਡਰਾਅ ਫਰੋਮ
दिस पोलिटिकल लाइन ऑफ पंजाब और साड़ी एस जी पी सी इस सही हत्थां विच जाण दो, यह भी करप्ट हत्थां च एस जी पी सी जिहड़े कौम के नुमाइंदे ने उन्हां दे हत्थां विच जावे। एस जी पी सी आजाद होगी तो अकाल तख्त साहब का जथेदार फ्रीली आजादी नाल अपनी गल कह सकेगा। ये दो इंस्टीट्यूशन ताइयों जाणगे जिद्दन बादल का परिवार इस राजनीतिक लाइन तो पिछे हट। खैर साहब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने अगे मेंबर पार्लियामेंट इस तो पहला कि अगली गल करा मैं कहना चाहना कि हुणे मैनू वैसे पहला भी इतलास सी कि बड़े दुख की गल आ कि एक पासे देखो साडी सरकार कह रही है कि असी किसानां दी हतैशी हाँ, असी किसानां दे कर्जे दे बड़े फिक्रमंद हाँ, असी डाइवर्सीफिकेशन दे बड़े फिक्रमंद हाँ, असी डायरैक्ट सीडिंग दे हामी हाँ कि झोने दे पानी वेस्ट ना किया जाए। सब तो ज़्यादा शॉकिंग गल है कि जिहड़ा लुधियाना लुधियाने की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इतने एक अफसर नूं लाया होया वीसी पिछले डेढ़ साल तो कोई रेगुलर वीसी नहीं है, जिथे सारी रिसर्च होनी है, जिथे सीड्स बारे जानकारी होनी है, जिथे नवे प्रोग्राम्स उलीके जाने ने और इतने होर भी बहुत सारिया जिहड़ियां हायर आर्की पोजिशनज़ ने रिसर्च दियाँ और हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स दियाँ वो सारिया खाली पईयां ने। भगवंत मान नूं मेरी बेनती कि बाकी सारे जिहड़े बयान दिंदे हो तुसीं मूंगी वगैरह दे रखदे हो प्रोग्राम वो पहलां बंद करो, पहला लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं प्रॉपर सही लीडरशिप दिओ और वो दिओ सिफारशी नहीं वो दिओ जिहड़े खेती नूं असल विच समझदे ने ते खेती दा कोई मसले नूं हल कर सकन, साडा जिहड़ा पानी डिप्लीट हो रहा वाटर टेबल इस नूं समझ सकन और साडे पानिया नूं बचा सकन, साडे किसान जिहड़े आत्महत्या कर रहे नूं उहनां दे बचन, वो इत्थों सोल्यूशन निकलना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो यह सब तो पहला करन दी लोड़ है। देखो मैं कहना मैं किसी पर्सनल बंदे बारे नहीं कह रहा पर इस सरकार का सब तो बड़ा थ्रस्ट सीगा कि असी बदलाव की राजनीति करांगे, असी ईमानदार अफसरानू ते ईमानदार बंदियानू अगे लेके आवांगे, पर अज जे उन्हां दा जिहड़ा प्रमुख सकत्तर आ जे उहदे ते इल्जाम लग रहे ने दैट ही वॉज वंस अंडर द स्कैनर ऑफ द विजिलेंस और उन्हां ते इल्जाम सीगे तो फिर आपू आम आदमी पार्टी को लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और दूजा दे नाल नाल मैं कहना चाहना वा कि इस वक्त की हो रहा कि पंजाब नूं भगवंत नहीं चला रहा, भगवंत की जगह भगवंत सिर्फ दमी है, भगवंत सिंह मान सिर्फ एक उन्होंने चेहरा रखा हुआ मूहरे उन्होंने 10:30 बजे कढ़ दे बाहर तो 5 बजे वापस ले जाते हैं, इनू चलाने वाले राघव चड्ढा वर्गे लोग ने जिन्हों का पंजाब ना कोई सरोकार नहीं गा, जिहड़े पंजाबी ना लिख सकते ने ना पढ़ सकते हैं और एड्डी बहादुर स्टेट पंजाब के जिहड़े साडे बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे महाराजा रणजीत सिंह वर्गे साडे छोटे छोटे 7 ते 9 साल के साहबजादे दी कुरबानियां ते खून डुल्लिया होया और यह राघव चड्डे नूं उहदे बारे कोई इलम नहीं गा। सो इस करके केजरीवाल नूं साडी एक बेनती सारा नूं कि पंजाब भगवंत मान नूं चला लैण दे और भगवंत मान नूं मेरी बेनती कि किसी दिन तां तैनूं खड़ना पवेगा ना, किन्ना लम्मा पै जाएगा, जिन्ना लम्मा पएगा उन्ना तैनूं होर लम्मा पाउणगे ये बाहर दे जिहड़े गैर पंजाबी ने। इस करके स्टैंड फॉर पंजाब एंड इफ यू स्टैंड फॉर पंजाब वी विल सपोर्ट यू। मेरा ख्याल है कि वो जरा आई कुड नॉट गेट द एग्जैक्ट सब्जेक्ट पर एवं फ्रिवलस जा रहा ट्विटर के उत्ते हैंडल मैं पढ़ के सही जवाब दे सकता, मेरा ख्याल वो कोई गल बनती नहीं है। देखो जी राघव चड्ढा की नियुक्ति सरासर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वह प्रोविजन ही है नहीं गी, जिहड़ी भी नोटिफिकेशन कर दी पंजाब सरकार की गवर्नर पंजाब के राज्यपाल के नाम से होंगी, एक कल चीफ सैकटरी तो करा रही है, ये तो कोई नंबर नहीं गा, ये तो कोई अगे पाया नहीं गया एंड देर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ए तो फिर ए कर लो केजरीवाल साहब नूं कहो पंजाब की सारी कैबिनेट भंग कर दिओ ते 18 बंदे राघव चड्ढे दे नाल दे होर लैओ जिहड़े पंजाब तो बाहर रहिंदे ने उन्हां नूं इत्थे मिनिस्टरी बना लो सीधा, जे इस तरह नाल तुसीं बैकडोर तो लोगों सरकारां दे उत्ते बिठाउणा वा लिया के चेयरमैन देर फॉर एनी एडवाइजरी कमेटी और यह चैलेंज होया वा और हाईकोर्ट विल डेफिनेटली कंप्लीटली स्क्रैप दिस इरोनियस इलीगल illegitimate and wrongful appointment congress nu majboor aur main kehna chahna raghav chadde di appointment jehdi oh siddhi bhagwant maan di tohin hai te aa jehde mantri firde ne jehde cabinet eh tuhadi vi tohin hai murkho samjho tuhade utte banda bithata tuhade te bharosa nahi kar rahe eh log baharon inna ne tuhade te vi utte banda ek banda bithaya va ke hun tuhanu disha nirdesh te tuhanu advice raghav chadda devega 32-33 saal da chhora khaira sahab congress di majbooti layi hun congress ki kaam kar rahi hai punjab congress ki kaam kar rahi hai kyunki jo vidhan sabha punjab punjab congress ek saada cadre based party hai theek hai saada loss hoya assembly ch theek hai saada loss hoya sangrur ch assi is de andar apniyan untaiyan dekh ke assi inu cover karange अपने एजेंडे को ठीक लेके आवांगे। पीपल्स एजेंडा सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक एनी पोलीटिकल पार्टी
इज द एजेंडा ऑफ द पीपल, असी उस पीपल्स एजेंडे के उत्ते इस पार्टी को रन किया जाएगा। साडे प्रेजिडेंट साडा CLP द लीडर दे आर ट्राइंग द बेस्ट और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय के वील डेफिनेटली बाउंस बैक बिकॉज आम आदमी पार्टी जी फेल हो चुकी है। इन्हों के हूँ मैंने तो लगता किसी MLA की कोई सुनवाई नहीं, कोई पटवारी भी इन्होंने आखे नहीं लगता, कोई थानेदार आखे नहीं लगता और इन्हों की इन्होंने MLA के उत्ते भी बंदे लिया के बाहरों बिठा दते हो, इन्होंने मिनिस्टरों के उत्ते बंदे बिठाए ने। सो कांग्रेस का रिवाइवल तुम देखोगे बहुत शॉर्टली, पर एको गल होंगी है कि रिवाइवल करने वास्ते तुम अपने सूबे के जोड़े साढ़े पंजाब के मुद्दे ने उन्होंने सेंटर स्टेज से लैके आना पड़ेगा। कारपोरेशन चुनाव आने लगते कि उन्होंने लोगों को टिकट दी जाएगी जिन्होंने मेहनत की, जिम्मे की कहते पूछने की लड़ नहीं। मैं तो कह नहीं सकता कि टिकट असं भैड़े बंदे देंगे, करप्ट बंदे चंगे लगते हैं कि कांग्रेस पैसे देकर टिकट दी है नहीं, कुछ आरोप जिन्हें मर्जी लाई जाए जी। हर पार्टी ये चाहती है कि चंगे बंद दी जा, अगर देने कोई गलती होंगी तो फिर उन्होंने लोग जवाब दे देंगे। सो मैं साड़ी सब की हर मुमकिन कोशिश होगी दैट गुड पीपल यंगर पीपल एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड फाइंड पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। सिमरजीत सिंह मान दी स्टेटमेंट नु किसे बार-बार वही स्टेटमेंट दे रहे ने भगत सिंह उन्होंने खिलाफ। देखो मैं उन्हां दे नाल ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी च नहीं पैना, भगत सिंह शहीद भगत सिंह बाबा साहेब अंबेडकर महाराजा रणजीत सिंह ये साढ़े नैशनल हीरोज साढ़े कौमी साढ़े पंजाब के हीरोज़ ने, इस करके उन्होंने बारे कोई भी गलत गल चर्चा करनी वो मैं समझता कि वाजिब नहीं, पर किसी के मतलब आई एम नॉट इंटरेस्ट। थैंक यू सर।